मुंबई में महाड़ा के 2030 फ्लैटों के लिए आज घोषित करेगा लकी ड्रॉ, खरीदने का सपना सजाए उन लोगों के लिए खुशखबरी। मुंबई में भीषण गर्मी और उमस से दिन में बाहर निकलना हुआ मुश्किल, लू और कड़क धूप से कई लोगों को हुई दिक्कत। पुणे में नाचते गाते ग्राउंड पर गिरे मशहूर गरबा किंग अशोक माली, गरबा खेलते हुए अचानक गई जान। मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर की शुरुआत, यात्रियों ने साझा किया अपने अनुभव। चैन से नहीं बैठूंगा, सार्वजनिक पद पर 23 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी, कहा अभी बहुत कुछ करना बाकी। कल्याण के एक युवक ने अपनी मां की सहमति से नाबालिग लड़की का किया यौन शोषण। चेंबूर अग्निकांड में मानवता हुई शर्मसार, घर में आग लगने के बाद चोरों ने चुराए 12 लाख। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाती दिख रही, ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है भाजपा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन का चल रहा है जादू, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बहुमत। मुंबई की टीम को एमसीए ने किया बड़ा इनाम देने का ऐलान, कप जीतने पर मुंबई को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। हरियाणा में कांग्रेस के पिछड़ने पर संजय राउत का बड़ा आरोप, सीएम सैनी ने कहा था मैंने जीतने की कर दी है पूरी व्यवस्था। मध्य रेलवे ने कसारा करजत लोकल के समय में किया बदलाव, शेड्यूल देखकर ही निकले। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में 7 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू, 12 बम धमाकों में गई थी 257 की जान। महाराष्ट्र के अकोला में बवाल हुआ, भीड़ ने बरसाए पत्थर, गाड़ियां फूंकी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। फिल्म सिटी के लिए 700 पेड़ काटे गए, बीएमसी गोरेगांव में फिल्म सिटी के प्रवेश द्वार पर 22 एकड़ के भूखंड पर योजना बना रही। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले भाजपा को झटका, पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने थामा शरद पवार का हाथ, राउत बोले शुभ संकेत। नागपुर रेलवे स्टेशन पर सिरफिरे ने यात्रियों पर किया हमला, 2 की गई जान, 2 घायल। ठाणे में शराब के नशे में मामूली बात पर झगड़े के बाद दोस्त की जान लेने के आरोप में 28 साल का आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में सोना चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं, सोना 71,000 रुपए तोला, तो चांदी 96,000 रुपए किलो। महाराष्ट्र के समुद्री तट पर इकोसिस्टम में किए जाएंगे सुधार, एडीबी ने दी $42 मिलियन के ऋण की मंजूरी।